क्या करते हैं, जो ट्रेन में टॉवेल्स मिलते हैं एसी कंपार्टमेंट में, वो एक्चुअली में लोग ना चादर टॉवेल्स ये सब ना ले जाके अपने बैग में ले जाके घर को ले चले जाते हैं। कुछ लोग वैसे भी हैं जिसमें आके बैठ जाते हैं, एक दो स्टेशन आगे पीछे जिसको जाना होता है, वो लोग एक्चुअली में इस जगह पे आपको मिलेंगे। अब जो है ना ये 2 ईयर के बाद ये बंद हो चुका है, ये गेट अब आप उधर नहीं जा सकते हो, वो एक्चुअली में सेकेंड क्लास स्लीपर क्लास है, तो वो सेपरेट होता है, इधर गेट बंद होता है, तो वो है। और शायद उधर इंजन भी हो सकता है, इंजन ही होगा शायद उधर, मैं पक्का नहीं बता सकता, उधर इंजन ही होगा। अब हम लोग ना आपको इंडियन रेलवे का ना जो पैंट्री कार कैंटीन होता है ना वो मैं दिखाऊंगा, और उधर चलता हूँ दिखाता हूँ आपको। और एक चीज़ और, अगर इन केस इमरजेंसी में फायर लग जाए तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जाता हूँ आपको और आगे कुछ दिखाता हूँ। गाइस दिन में भी अंधेरा है, इधर लोग सोए हुए हैं अपने अपने कर्टन लगा के, और मैं घूम रहा हूँ ब्लॉग बना रहा हूँ। ये जो है ना एसी फर्स्ट है, और यहाँ पे केबिन लगा हुआ है, आप देख सकते हो सेपरेट केबिन्स होते हैं इस जगह पे एसी फर्स्ट में, और लोग जो है सो सोए हुए हैं इसमें बिल्कुल, क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते एसी फर्स्ट में। अभी 2 टीयर्स लोग एज यूजल, आपको तो पता ही है इस टाइम खाना वाना खा के नस्ते वस्ते करके सो रहे हैं। हेलो गाइज, एक्चुअली में जो भाई अटेंडेंट है उनका शिकायत है ना कि लोग क्या करते हैं, जो ट्रेन में टॉवेल्स मिलते हैं एसी कंपार्टमेंट में, वो एक्चुअली में लोग ना चादर टॉवेल्स ये सब ना ले जाके अपने बैग में ले जाके घर को ले चले जाते हैं, तो ये एक्चुअली में बहुत गलत है। तो होता क्या है ना, इन लोगों को पैसे अपने जेब से कटवाने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। सो गाइस ये ध्यान रखो आप कि कभी भी ट्रेन पे आओ तो हो सकता है मिस्टेक से लोग टॉवेल्स वगैरह लेके चले जाते हैं, सो ऐसा ना हो कि टॉवेल्स वगैरह आप ले जाओ और भाइयों को देना पड़े अपने तनख्वाह से, सो माइंड इट। हाँ तो ये प्रॉब्लम होता है, अक्सर होता है आपके साथ? अक्सर सर ऐसा होता है, क्या था इसलिए रेलवे ने टॉवेल देखा था अभी बंद कर दिए, तो हम लोग अलग से देते हैं, जो लोग मतलब मांगते हैं उनको देते हैं। एक्चुअली क्या हुआ भैया ना, हम लोग का जो पैसा होता है ना वो अकाउंट से कट जाता है, इसलिए ऐसा करके आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें, हम लोग अटेंडेंट घर घर से रहते हैं, आप लोग पैसा करें। गाइज ये सब एक्चुअली में ना इनको बहुत कम तनख्वाह मिलती, कितना तनख्वाह मिलता है आपको? हम लोग तो सर प्राइवेट में रहते हैं, 10,000 रुपये। गाइज ये प्राइवेट में रहते हैं, इनको मात्र 10,000 रुपये मिलते हैं, और आप सोच सकते हो जो लोग ऐसा करते हैं टॉवेल्स वगैरह लेके चले जाते हैं, आप समझ लो कि इनको कितना नुकसान होता होगा, ये घर कैसे चलाएंगे। सो यार ध्यान दो इस पे, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद नसीम। गाइज ये मोहम्मद नसीम है, और ये भी सफर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब घर आपका उधर है पटना? सीतामढ़ी में? अच्छा सीतामढ़ी के हो, गाइस सीतामढ़ी के हैं और ये पटना जा रहे हैं, मुंबई में काम करते हैं। गाइस ये एक्चुअली में टीचर हैं, लोगों का जो बच्चों का होता है ना वो भविष्य बनाने का काम जो गवर्नमेंट है उसके प्रति क्या आपका विचार बताइए? अच्छा है एक्चुअली में, सब कुछ बोल देते हैं अच्छा है, लेकिन फिर बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली क्या है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। अरे इधर रियली बात है, एक्चुअली में ना ऐसा लग रहा है ना कि जर्मनी बन रहा है इंडिया, तानाशाही पूरा ले रही है, राइट। जो हिटलर ने किया ना भाई, अभी करंट में होने वाला है, और सोच समझ के वोट दो। ओके गाइस मैं आपको फिर कैंटीन में दिखाता हूँ। पहुंच गए कैंटीन में, और ये है कैंटीन रेलवे की। अरे भाई साहब फोटो नहीं जो देख रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो कैंटीन देख ही लिया,
अब मैं इस ब्लॉग को करता हूँ लास्ट, और नेक्स्ट ब्लॉग में अगर कुछ वैसा हो, कुछ लोगों से मिला, तब फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए बाय।